फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अव्यूद एकेडमी में। बेसिकली अव्यूद एकेडमी एक करियर कंसल्टेंसी है और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो आइए, आज मैं गवर्नमेंट जॉब की जॉब सीरीज़ में एक और जॉब ऐड करने जा रही हूं, जो कि स्टेट लेवल पे है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2019। और साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो पूरी टीम है वेल रिसर्च करके आप तक न्यू गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स लेकर आती है, न्यू गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको बताती है, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया जाता है यहाँ पे। तो आज मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करने जा रही हूँ। जो वैकेंसीज निकली हैं वह हैं 5000 कांस्टेबल की, जिसमें GD एंड ड्राइवर वैकेंसी निकाली गई है 2019-20 के तहत, और जो लास्ट डेट है वो अभी यहाँ पे बताई नहीं गई है, उसके लिए अभी टाइम लगेगा। और साथ ही जो पोस्ट नेम है, अब मैं आगे उसकी बात करती हूँ। तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है यहाँ पे, और जिसकी वैकेंसी निकली है 4641, और जो कि पे स्केल होगा वो लेवल 5 के हिसाब से होगा। और साथ ही कांस्टेबल यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी निकली है यहाँ पे 359, वो भी लेवल 5 के हिसाब से ही होगा। तो आइए, अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ कैटेगरी वाइज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2019 की डिटेल्स की। सो यहाँ पे कांस्टेबल GT यानी कि जो जनरल ड्यूटी के लिए हैं, उनके लिए जनरल और TSP टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जनरल के लिए अलग सीट्स निकाली गई हैं, और साथ ही जो टोटल सीट्स निकाली गई हैं वो जनरल के लिए 350 और साथ ही TSP के लिए 1591 निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। और कांस्टेबल ड्राइवर यानी कि जनरल और इसमें भी TSP टू पोस्ट हैं, और साथ ही इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है इस पोस्ट को भी, और जो टोटल है वो 342 है जनरल के लिए और TSP के लिए 12। तो अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँगी। तो कांस्टेबल GD के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे वो है 10th पास, और साथ ही रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, और जो सेकंड है वो है कांस्टेबल RAC MBC, और इसमें 8th पास होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो LMV से हो चाहे वो HMV से हो। अब मैं आपसे एज लिमिट की बात करने जा रही हूँ। तो कांस्टेबल GD के लिए जो है 18-23 ईयर्स फॉर मैन और 18-28 ईयर्स फॉर वुमेन, साथ ही कांस्टेबल RAC MBC तो उसमें भी सेम ही है, चाहिए 18-23 ईयर्स मैन और 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28 ईयर्स फॉर वुमेन्स। अब मैं कांस्टेबल ड्राइवर की बात करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे 18-26 यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 ईयर फॉर मैन, और 18 जो है यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम 31 फॉर वुमेन। तो आइए, अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ एलिजिबिलिटी डिटेल की, जिसमें आपका मेजरमेंट जो कि मेल के लिए है और फीमेल के लिए है वो बात करेंगे। तो अब मैं हाइट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है, और जो चेस्ट है वो है विदाउट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन 86 सेंटीमीटर्स, और वेट है यहाँ पे, तो वेट ना लिखा है NA, मेल का कोई भी वेट चलेगा, और रनिंग के लिए 5 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। तो ये मेल कैटेगरी के लिए। अब मैं फीमेल की बात करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हाइट है 152 सेंटीमीटर, चेस्ट यहाँ पे नहीं दी गई है, और साथ ही वेट के लिए बताया है 47.5 kg, तो इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, या इसके आसपास भी हो सकता है, और रनिंग में 5 किलोमीटर इन 35 मिनट्स, तो आपको ये पार करना पड़ेगा। अब मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात कर रही हूँ। तो जनरल OBC और अदर स्टेट के लिए 400 है, और साथ ही SC ST के लिए यहाँ पर 350 रुपीज़ फीस है, और साथ ही जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू हो जाएगी। तो अब मैं लास्ट डेट की बात करने जा रही हूँ। ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है, इसकी जो डेट है वो 4 दिसंबर 2019, लास्ट डेट यहाँ पे अभी नहीं बताई गई है। जो रिटर्न एग्जाम होगा वो फरवरी मार्च 2020 के आसपास होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी ये नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है, इसका लिंक भी दे रखा है मेरी उसमें, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही पुलिस रिक्रूटमेंट की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भी इसका लिंक देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट rajasthan.government.in, फॉर्म विल बी अनाउंस शॉर्टली। तो जो जॉब लोकेशन रहेगी वो राजस्थान रहेगी, और जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिटर्न टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट्स रह जाएंगे उनको फिजिकल टेस्ट जो है वो क्लियर करना होगा।